दोस्तों महाभारत काल में जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था और सारे लोग देखते रह गए थे, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी आज अपमान हुआ है और सारे लोग देख रहे हैं। उनका मजाक उड़ाया गया, उनको राष्ट्रपत्नी करके बुलाया गया। राष्ट्रपत्नी, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा उन्होंने घिनौना शब्द का इस्तेमाल किया है। द्रौपदी मुर्मू जी अमंगल का प्रतीक भी है, ऐसे कांग्रेस ने बोला। तो दोस्तों महाभारत काल में जैसे पाप चरम सीमा पर था, इसीलिए ये सब हुआ, और आज भी पाप चरम सीमा पर है और फिर से एक नया महाभारत शुरू होने वाला है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर महिला का सम्मान करें,